अब बिना कोई वक्त जाया किए सीधा चलते हैं बरक दत्ता के पास आज की लेट नाइट न्यूज सुनने के लिए। चलिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता। आज मैंने अपने बाल शैम्पू से धोए हैं, ये है LNN। और आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, एशिया कप जीतने पर भारत सरकार ने इंडियन हॉकी टीम को इनाम में दिए सोडेक्सो कूपन। जी हाँ, एशिया कप जीतकर वापस लौटी हॉकी टीम के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी है और टीम के हर खिलाड़ी को मिलेंगे 235 रुपए के सोडेक्सो कूपन। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं इंडिया के एक्स कोच एंड कैप्टन परबत सिंह जी के पास। परबत सिंह जी, कैसा लग रहा है ये खबर सुन के? ओ मैं की दसा बारक, आज तो लगता पा है जिवें मेरे सारे सपने पूरे हो गए यार। बहुत ही भावुक मौका होगा आपके लिए। भारत सरकार ने पहली बार हॉकी टीम को इतना बड़ा कैश प्राइज देने की घोषणा की है। हाँ यार, जब मैं खेलता था 15 साल पहले तब जीते थे एक बारी एशिया कप है, तो इनाम में पता क्या मिले सी? क्या? ये एक मिनट खैर, आ कंगी दिती सी सरकार ने 50 पैसे दी। उस टाइम च 50 पैसे दी आंदी सी, पर हमने कहा चलो कुछ दे तो रही है सरकार, मना नहीं करते, इनाम की है हैं बाना उन्हूं समझो यार। उसके बाद 8 साल पहले मलेशिया कप जीते सी असी, तद पूरी टीम नू एक एक पाव। बस एक एक पाव मिला था? नहीं नहीं है, एक एक पाव मोटा वाला चावल मिलया सी, चावल। अज सोडेक्सो कूपन मिलया, ना अगे वध गया है साडा देश, किन्ने अगे हो गए असी। वाह वी वाह। तो हॉकी टीम खुश है इस इनाम से? ओ मुंडे नच नच के पागल होए जांदे ने, 235 रुपये इन्ना सारा खाना 4 साल च कदे नहीं खा सकते सी हैं। और किसी स्टेट दे मुख्यमंत्री ने साथ च वैट ते भी 50% डिस्काउंट देता। मतलब के खाने दे ते टैक्स भी बचेगा हुण तां। भाई साहब, वाहिगुरु जी, मेहर है भी मेहर है। ब्रेकिंग न्यूज, सिर्फ सोडेक्सो कूपन ही नहीं, हॉकी टीम को मिलेगा वैट पर भी डिस्काउंट। और छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को मैं नहीं बताऊंगा डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। चेतन भगत पढ़ो और खुद समझो सालों। और परबत सिंह जी, जाते जाते एक सवाल और, क्या ऐसे इनामों से टीम का मनोबल बढ़ता है या क्रिकेट की तरह खिलाड़ियों में करप्शन आता है, वो युवराज की तरह आलसी निकम्मे और थुल थुल हो जाते हैं क्या? क्रिकेट आहा केड़ा गेम है या हाँ, इसका तो हमने नाम भी नहीं सुना आज तक। तो युवराज कौन है? हमको धनराज पता है, धनराज, धनराज पिल्ले। शुक्रिया परबत सिंह जी, आप प्लीज जाइए और अपने कूपन से कुछ खाना खाइए। आहो। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार हॉकी को इसी तरह इज्जत बख्शती रहेगी। ओए होए गुरु, ओए होए। परबत सिंह, परबत सिंह जी, क्या हुआ आपको? पानी पिला दो कोई, एक हफ्ते तुम पानी तक नहीं पीता मैं। बहुत मेहनत करते हैं हॉकी के खिलाड़ी, लेकिन अब बराबर इनाम भी मिल रहा है। और बाकी है, अभी तमिलनाडु विधानसभा ने पास किया बिल कि आज तक फांसी दिए गए सभी तमिल्स को वापस जिंदा किया जाए। और पाकिस्तान ने चाइना से कहा चलो कहीं भाग के शादी कर ले। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी सरकार से इनाम मिलने वाला है। तो ये था आज का जय हिंद। अगर कोई गलती हो गई हो या किसी को हमने ऑफेंड कर दिया हो तो उसे हम हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहते हैं कि घंटा। Oh,